सो हां जी गाइस, अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। चौथी मीन्स क्या होता है कि हम लोग जाते हैं रिसीव करने, आप सब जानते ही होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब सब कैसे हैं? होप सारे जन बढ़िया ही होंगे। सो अभी हम लोग आ गए न्यू ट्यूब वीडियो के साथ। सो अभी टाइमिंग हो रही है 2:30 हो रहे हैं और आज मेरे को जाना है शाम में फंक्शन में। तो अभी मेरे को जाना है मार्केट से मेरे को एक वाइट कलर की शर्ट लेनी है, और भी अगर पसंद आई तो फिर परचेज कर लेंगे, लेकिन मेरे को पहले वाइट कलर की शर्ट लेनी है। मेरे पास पहले से थी, लेकिन वो जो है वो थोड़ा प्रिंट हल्का डिस्मैच हो गया है ना, जिसकी वजह से अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी हम पहले जाते हैं मार्केट, फिर वहाँ से शर्ट वगैरह परचेज करते हैं, फिर व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दे दे डबल बूंदा वाली है बाहर जाके बाहर ट्रायल रूम वगैरह कोई नहीं थोड़ा हल्का दिख रहा अच्छी दिख रही नहीं ठीक है वाइट वाली ज्यादा कौन से पैंट पे पहनोगे इसे ये ब्लैक पैंट पर सोच रहा ब्लैक टू ब्राउन ठीक लग रही है ठीक है इनका भाई से बहुत कमाल है ले इसको बढ़िया कलर अच्छा है ये उसको करिए इस पे बता रहे हैं रायबरेली, तो इसलिए घर से ज्यादा डिस्टेंस है और रात भी होगी। और फिर एक बार हमने जो उसमें कार में काम नहीं करवाया था लाइट का, जिसे हमने बोला नहीं फॉग लाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, फॉग वगैरह जाते होते तो उसमें क्लियर दिखता है, तो उसके हमारे ख्याल से लाइट में कुछ ऐसा डिफेक्ट है, मतलब सही से जल नहीं रही है या सही से वर्क ही नहीं कर रही है। तो इसलिए सोचा पहले इसको दिखा लेते हैं, नहीं फिर आगे जाके और दिक्कत करेगी। सो अभी हम जस्ट अब पहुंच चुके हैं शॉप पे कार फैशन के, पहले अपना गाड़ी मोड़ते हैं, पहले इसको दिखा लेते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं घर, तैयार वगैरह होते हैं, फिर इसके बाद व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्वांजी गाइस, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट एंड ब्राउन शर्ट, स्मार्ट दिख रहे। तो अभी टाइमिंग 6 वाले हैं और अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा एक्सीड हो रहा है और लेट हो जाएगा। फिर चलो चलते हैं। स्वांजी गाइस, अभी हम सारा रेडी हो चुके हैं और सब अपनी गाड़ी वगैरह सारी आ चुकी है, और बैक टू बैक 3-4 कारें उधर से हैं। तो पहला अपन जाते हैं, अम्मी का फोन आया था कि आओ जल्दी मेरे को रिसीव करो, अम्मी तैयार वगैरह हो गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पहले अम्मी को रिसीव करने, फिर इसके बाद चलते हैं। सोनजी गाइस, अभी अम्मी आ रही हैं, घर के जस्ट सामने ही है। तो पहला अपना ये समझा दें आपको कि फंक्शन क्या है। फंक्शन ऐसा है जैसे हमारे यहाँ जो होता है वो शादी के बाद नेक्स्ट डे या एक दिन बाद ही, मतलब 2 बाद जो है वो चौथी जाती है। चौथी मींस क्या होता है कि हम लोग जाते हैं रिसीव करने, आप सब जानते ही होंगे।
तो वही है आज, मतलब परसों शादी थी तो आज है चौथी, जो कि शाम में था फंक्शन, इसलिए अभी हम जा रहे हैं चौथी के लिए, मतलब चौथी लाने। Two hours later. Say, where can I see your face? Feel the same way. Why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way. Why don't you come away? Yeah, 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 yeah. I think I might get by. It's like we met before. I always get ignored. I don't exist. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life. When I'm with you, I can't move. It feels like I'm losing my mind. Two hours later. गाइज अभी अपना खाना वगैरह सारा हो चुका, नाश्ता वगैरह भी हो गया, बीच में तो हम तो भूल ही गए थे कि मैं व्लॉगिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, तो अभी दिमाग में आया मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी घर गया था, कार में थोड़ा काम था तो इसलिए अभी कुछ उसको कंप्लीट करके अब फिर जा रहा हूँ मैरिज लॉन के बाद। अब आपको दिखाता क्या हूँ, खाना वगैरह तो खा ही लिया है, तो थोड़ा बहुत ही जो क्लिप है उसको अभी ऐड करूँगा, फिर आप देखना। समझिए गाइज अभी हम क्या, अभी हम हॉल में ही है, समझिए गाइस अभी हम लोग मैरिज हॉल में ही हैं। एंट्री किया, वो लेडीज डिपार्टमेंट होगा जो आप इधर देख रहे हैं, इधर सारा जेंट्स का था और खाना वगैरह मोस्टली खा ही चुके हैं, बस थोड़ी ही देर है। और मेरा पार्टनर सैफ मेरे साथ, और खाना वगैरह काफ़ी अच्छा बना था। मेन क्या होगा ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ गई कि घर से मतलब जो डिस्टेंस था ना वो 70 का था, और अब अगर टाइमिंग का अगर कंज्यूम करना हो 1:30 एक घंटा 30 मिनट में पहुँच जाते, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से प्लस भी प्रॉपर तरीके से पता नहीं था कहाँ पर मतलब किस हॉल में शादी है, तो उसके वजह से और लेट लेट होते होते 2 घंटे मतलब 7 बजे एक्यूरेट चले थे और 9:15 पे पहुँचे। फिर जल्दी आए, नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह खा के फिर खाना खाया, फिर खाना खाने वाला तो ब्लॉग में खाने वाली तो क्लिप नहीं ऐड कर पाए, बाकी अभी अंदर चलते हैं देखते हैं फिर क्या क्या होता है। One hour later. अभी हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं क्योंकि अब जो है टाइमिंग भी 12 अप्रॉक्स हो ही गया है, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और गाड़ी वगैरह बैक टू बैक लग चुकी है। सैफ, तो अभी गाड़ी वगैरह सारा लग चुकी है, कुछ सामान वगैरह था सब मेरा कूटा है, तो अभी जस्ट मम्मी वगैरह कॉल किया, मम्मी अब चलो पापा कॉल कर रहे, तो बस अभी आ रही हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। तो सैफ कैसा लगा तुमको यहाँ पर? अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, वहां से सब लोग अब घर के लिए बैठना स्टार्ट होंगी और मेरी गाड़ी सबसे पीछे है। अभी सब लोग अम्मी अप्पी वगैरह सब लोग बैठेंगी, बाकी सब अभी गाड़ी जस्ट जहाँ पर गर्ल्स का वो था ना, जहाँ भी ये गर्ल्स का पूरा था वहाँ से फ्रंट पे सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। Two hours later. सुमन जी गए, सुबह के हो रहे हैं 11:43 और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उस दिन तो रात में बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो वीडियो को ये एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टू वीडियो में। टिल देन पीस आउट।